जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं उसका पटकथा मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग पौने दो साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल, मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नजदीकी किसका है? ये अत्यंत नजदीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं, उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी है पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है तो फोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया, इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील गोयल जी जो राज्यसभा के गुप्ता, सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं, रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से,
उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहां हुई हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं, इनका नाम है दिनेश श्रॉफ, वीडियो में देखेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा किरदार ये जो पपियां झपियां लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर आर पठानिया। कौन है ये आर आर पठानिया? ये कौन है? ये आर आर पठानिया जो है ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके ये लोकसभा के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, ये केवल लोकसभा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश के एससी एसटी विंग के प्रदेश के प्रभारी, ऑफिशियल प्रभारी भी हैं, और ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या नाम है इनका? आर आर पठानिया। ये पपिया झपिया पा रहे हैं सर जी का, देख सकते हैं ये कितनी नजदीकियां हैं, आप इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे दिल्ली में जो कलेक्शन का काम है ये पठानिया जी के पास है। किसका कलेक्शन का काम, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो ये चार मुख्य किरदार हैं। अब किरदार तो मैंने आपको बता दिया, अब हुआ क्या है इसमें देखिए। ये स्क्रिप्ट है आज के पूरे वीडियो की। इस स्क्रिप्ट में होता क्या है कि हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का? 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी, कुल मिला करके लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो पहला टोकन आप 21 लाख रुपए का रख लीजिए, ये नजराना एक तरह से जो टिकट के लिए आप रख लीजिए। आप सोचिए ये जो हिंदी पिक्चरों में डॉन के यहां ऐसे ही होता था, तो वो डॉन दोनों मना कर देते, नहीं भैया ये तो नहीं चलने वाला है, ये आप 21 लाख से नहीं होगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। पूरा रकम दोगे तभी जाके आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, वरना नहीं होगा। तो बहन बोलती है ऐसा क्यों, क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ हाँ, राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी पीएसी, इनकी एक पीएसी कमेटी होती है, तो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है, तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है, और आप निश्चिंत रहो, आप 21 मत दो, आप कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं, एक साथ सारा कर दो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है, मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है, तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमिटी के पास जा रहा है, मगर आपका जो है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अगर हम आपका नाम सपोज 21 लाख लेके दे देंगे, तो वो पांचों कमिटी के सदस्य जिसका नाम मैं अभी लूंगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये नवा नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा, और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमिटी के सदस्य है। अब ये 5 कमिटी के सदस्य कौन है, आएगा वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतिशी मार्लिना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन है। ये 5 लोगों की कमिटी है, तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे, और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो शुरू होते ही आप देखेंगे ये दोनों लोग, पुनीत और जो दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। और तो और इसमें आगे देखिएगा, इतना ही नहीं, इसके बाद बिंदु जी को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। ये जो सजगता है, ये सजगता सभी में होनी चाहिए। बिंदु जी ने इतने में ही बात समाप्त कर दी हो, नहीं,
बिंदु जी हॉर्स के पास भी गई, हॉर्सेस माउथ जिसको कहा जाता है, जो किंग पिंग है, जो अभी आपने फोटो देखा पठानिया जो लोकसभा इंचार्ज है खुद गाड़ी चला रही है बिंदु जी, और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया आम आदमी पार्टी का, रिकॉर्डिंग कर दिया, खुद रिकॉर्डिंग कर दिया इन्होंने, और उस रिकॉर्डिंग में पठानिया जी दिख रहे हैं, और पठानिया जी को बिंदु जी पूछ रही है, अब आपका तो व्यक्ति आया था, पुनीत गोयल आया था मेरे पास, और पुनीत गोयल जी ने कहा है कि इतने रकम से नहीं चलेगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। तो पठानिया जी बोल रहे हैं हाँ पुनीत तो मेरा खास आदमी है, बिल्कुल मेरा खास आदमी है, और उसको मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, अब वो मेरे नाम से फोन कर सकता है, और पूरी दिल्ली में उसकी एक रिकग्निशन हो गई है क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, तो आप उसी से बात कर लो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। तो मैडम बोलती नहीं 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 आपका तो सहमति होना आवश्यक है, आप ही माए बाप है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो राइट हैंड आप ही हैं, अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कैसे होगा। तो पठानिया जी कहते अरे वो बोल रहा है तो वो आजकल थोड़ा बिजी है, क्योंकि उसके घर में रेड पड़ा है, उसके घर में रेड पड़ा था इनकम टैक्स और ईडी इत्यादि का, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला इस पुनीत ने कर रखा है, रेड पड़ा था ना, इस वीडियो में आ रहा है कि अभी रेड पड़ा हुआ है तो इसलिए व्यस्त है, दो तीन दिन में कॉन्टैक्ट करेगा और पूरा रकम ले जाएगा, मगर कर दे रहा है, क्योंकि फिर पठानिया जी कहते हैं ये पांच लोग जो है, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो पांचवा नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये चार नाम ही लेते हैं, कि ये पांच लोग जो हैं ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और सुपर कमिटी में राखी है। तो दीदी पूछती है उनसे आपको राखी जी लूप में है ना, तो बोलते सारे लोग लूप में है, ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो हम देख रहे हैं। बंधुगण आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे, जिस प्रकार से इलाके, इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा, ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा, पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है, और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है, और शुक्रिया है, धन्यवाद है बैंक कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है, आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग कर दिया है जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को स्टिंग करने के लिए उकसाया था, आज आपने उन्हीं का स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मगर निवेदन करने से पहले याद दिला दूं, ये पहला नहीं है, इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी पैसा मांग रहे थे, वो भी एजेंसी, उन्होंने वहां का एजेंसी लिया हुआ है, उस जोन की एजेंसी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास थी, तो वहां स्टिंग नहीं हो पाया था, मगर पकड़ा गए थे लोग, और मनीष सिसोदिया जी ने माना था कि हाँ पैसा तो आया था मगर टिकट हमने नहीं दिया, वहां की एजेंसी अखिलेश जी के पास थी मगर वहां कोई सजग बहन या भाई नहीं था, मगर यहां की एजेंसी पठानिया जी के पास थी और हमारे पास एक सजग जागरूक बहन थी जिसने स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करें। ये सोच के तो नहीं जाएगा। हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ।
तो हमारा हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी लिखोगे तो आप ही कौन सी कमेटी के है ना जो भी है भाई अपना सामान जा रहा है ना अभी तो पता चल नहीं रहा तो एक ही पास जा रहा है जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा ना सामान जा रहा है मेरे पास मैंने सामान ले रहा है इनको ये कौन कमेटी के सदस्य है अच्छी आदमी को कमेटी पे सी जी में ये आप बात है कि ये कंडक्ट करेंगे आपको या तुमने ना इसका नाम ले मेरे तरफ से ही फाइनल है ये चीज देखो कमेटी हमारे है इस पार्टी में नहीं जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी इसमें राखी इन्वॉल्व है हाँ बस यही मैं अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है अच्छा इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया तो अच्छा नहीं आ पा रहे ना कल कल तो ये तो अरेंजमेंट है आएगा तो जाने कितने टाइम तक है ये बता दो ना आधी आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फायदा नहीं मेरे हिसाब से ये तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना नहीं नहीं कोई बात नहीं दो बार में जाए ठीक है एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया ठीक है फिर एक बार चेक करो तो मिला मांग लिया ठीक है ठीक है भी ना या मत ठीक है नहीं अगर इसका आधा लगता है तो मैं कल ही कर देती हूँ टोकन जैसे चला गया फिर जैसे अपना एक दो दिन में पेमेंट कर देती हूँ दो दिन बाद इकट्ठा नाम बोल रही भाई साहब दिनेश अच्छा आपका आता रहता है हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है भाई मैंने तो बोल रहे तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया मैं तो कह रही हूँ आगे नहीं होता मैं तो तैयार हूँ भाई दादी मैं जनरल बोल रही हूँ दो दिन पहले मेरे को हाँ मुझे वैसे मैं तुम्हें को बताओ इन्होंने मंडे बोला था मुझसे आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह तो मैंने सोचा आगे मैं पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में जी है ना लोग तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं क्या करनी है बस नेक्स्ट वाला आप पठानिया जी को देखिए अब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी
यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधे सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पर विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो, पैसे की बात करी पुनीत, हो सकता है। देखो पुनीत मेरे साथ रहता है और जो मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं। नहीं नहीं, आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सीधी सी बात है। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी से पूछ लो आप पहले, भेज दो पठानिया जी जो आदेश देंगे वो ही करूँगा। तो अब मैंने कहा है इसकी जान पहचान तो सभी से हो गई और इसका फोन उठाने लग गए हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इसको और उस पे काम कर ही रहा है सभी जगह। बस बस, क्योंकि ना इसने हो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो। अच्छा, या फिर क्यों होगा मैं मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा। हाँ नहीं, कहेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि उसने मुझे यही बोला है। मैंने पूछा था तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मतलब आपकी नॉलेज में है सब कुछ, ये वाली बात। अच्छा, फिर मुझे बोला था कि मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं राखी बिरला से। तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी सर। राखी बिरला से तो मिलवा देगा ही। हाँ, लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने मिलवाया था इसको। हाँ, राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा, और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गए। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा ना थोड़ा बहुत नहीं है, बोलना पड़ गया। पर छापा पड़ा है और 65 लोग थे जो आए थे रेट में। अच्छा, टैक्स का और पूरी रात लगे रहे कार उसमें, ऊर्जा हुआ की जहाँ तक पैसे की बात है तो बिल्लो आखिर पसंदी नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना। एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि 5-7 लाख रुपए हो, सीधी सी बात है। पहले दो इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें, फिर 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ। हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में, तो मैंने कहा भाई मेरा नाम जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी, तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं तो ले लो, मैंने बोला आधा ले लूंगा अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं नहीं तो मैंने बोला वैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी तो मैंने कहा 10 ले जाओ अभी, 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं अभी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी, अब सैटरडे संडे का दिन था। बोले 8 का 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ, जो पीछे बनी थी ना। हाँ, 5 लोगों ने डिसाइड किया थे। हाँ, उसमें 5 लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है तो आपने ये पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है, 2-3 चीज इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूँ, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था, पहला इंस्टॉलमेंट। पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है, 2-3 चीज इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूँ, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था, पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें
लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता, और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो व्हाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता, और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे, तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया, और सबसे बड़ी बात है ये कोई आज का विषय नहीं है, एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय बिजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया, तुरंत डिलीवरी उसको हुई है, और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहाँ पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहाँ पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डाले, और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज आप वहां सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज यहाँ भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी, साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल, कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मुंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही है, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से गैंग हिस्सों में बांटकर और वहां पर लोगों को टाउट्स को बिठाकर और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है उनके थ्रू डील करके और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट बुक कर रहे हैं। बिंदु वहां पर बहुत सक्रिय थी,